तो दोस्तों आज हो गई है 13 अप्रैल और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के भाजपा के द्वारा की जा रही हिंदू मुस्लिम की राजनीति का विरोध करते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, मुस्लिमों को बड़ा झटका देने वाली है इस राज्य की भाजपा सरकार। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें, हिंदुत्व समूह के द्वारा मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने के आह्वान के बाद राज्य में हो रहे लगातार हंगामे के बीच सत्तारूढ़ भाजपा सरकार कर्नाटक में मुस्लिम विक्रेताओं के मंदिर परिसर को खाली करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राज्य सरकार ने पहले ही सदन के पटल पर घोषणा कर दी है कि गैर हिंदुओं के लिए मंदिर परिसर और धार्मिक मेलों में अपना व्यवसाय करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। और वहीं इस पूरे मामले पर विपक्षी कांग्रेस दावा कर रही है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ऐसा कर रही है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब व्यापार में भी भाजपा हिंदू मुस्लिम करने लगी है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस बीच अगली अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों, एमएलसी चुनाव के नतीजों पर अखिलेश यादव बोले, बीजेपी की मनमानी और धांधली की सारी हदें पार हो गई हैं। आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में बीजेपी की मनमानी और धांधली की सभी हदें पार हो गई हैं। बीजेपी ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है, इसके लिए बीजेपी को इतिहास कभी भी माफ नहीं करेगा। दूसरों को जातिवादी बताने वाले बीजेपी की ये सच्चाई है कि एमएलसी चुनाव की 36 सीटों में से कुल 18 पर मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय जीते हैं। एससी एसटी ओबीसी को दरकिनार करके ये कैसा सबका साथ सबका विकास है। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि बीजेपी को संविधान, लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की प्रक्रिया में जरा भी विश्वास नहीं है। वह धन बल और छल से येन केन प्रकरण सत्ता में बने रहने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के साथ ही लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं को भी तार तार करने में लगी है। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है दोस्तों, और खुले तौर पर बेईमानी का आरोप लगाया है एमएलसी चुनाव में। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, कर्नाटक से खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, ठेकेदार की मौत से कर्नाटक में सियासी उबाल, कांग्रेस ने मंत्री ईश्वरप्पा से मांगा है इस्तीफा। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चले, बेलगावी के ठेकेदार संतोष पाटिल को उडुपी के एक होटल में मृत पाया गया है। ठेकेदार ने कर्नाटक सरकार में मंत्री के एस ईश्वरप्पा पर 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। संतोष पाटिल की मौत की खबर के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार में मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी है, और वहीं कांग्रेस के आरोप को यहां पर नकारते हुए मंत्री ईश्वरप्पा ने कहा है कि वह मृतक को नहीं जानते थे। और वहीं आप लोगों को बताते चले, मरने से पहले कॉन्ट्रैक्टर ने मंत्री ईश्वरप्पा पर लगाए हैं आरोप, बताया है मौत का जिम्मेदार। ये यहां पर सुसाइड नोट से खुलासा हुआ है, और बीजेपी सरकार में मंत्री के एस ईश्वरप्पा की यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले पर रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना है कि बोम्बई सरकार के रोम रोम में दुर्गंध है और सरकार भ्रष्टाचारी है। ये यहां पर दोस्तों इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें आप लोगों को, खरगोन दंगा मामले में ओवैसी की सीएम शिवराज को चेतावनी, कहा याद रखें आज सरकार है कल नहीं होगी। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा पर प्रदेश में लगातार बवाल मचा हुआ है, सियासी बयानबाजी भी अब तेज होती जा रही है, और प्रदेश की भाजपा सरकार अब विपक्षी दलों के निशाने पर है। मामले में अब एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने घटना को लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर धमकी भरे अंदाज में निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि एमपी में कानून के शासन पर भीड़ तंत्र हावी हो चुका है। इसके साथ ही आप लोगों को बताते चले, उन्होंने कहा है कि भले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की विचारधारा मस्जिदों को नापाक करने और बुजुर्गों पर हमले को सही ठहराती हो, लेकिन उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि वे एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला करते हुए ओवैसी ने कहा है कि सत्ता के नशे में गरीबों की आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, उन्हें याद रहे कि आज उनकी सरकार है कल नहीं होगी।
फिर आपके साथ भी यही होगा, ये यहाँ पर ओवैसी का दो टूक कहना है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, देवरिया में बीजेपी से पराजय के बाद बोले हैं डॉक्टर कफिल खान, एमएलसी चुनाव में भी हार गया है लोकतंत्र। उत्तर प्रदेश में देवरिया कुशीनगर एमएलसी सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर कफिल खान ने अपनी हार को स्वीकार करते हुए कहा है कि आज आए चुनाव परिणाम से साबित हो गया है कि प्रदेश में एक बार फिर से लोकतंत्र की करारी हार हुई है। डॉक्टर कफिल खान ने मतगणना स्थल पर संवाददाताओं से कहा है कि उन्हें इस चुनाव में 1031 मत मिले हैं। यह हार उनकी नहीं है, बल्कि यह हार यहां पर लोकतंत्र की है। इस चुनाव में पैसे का प्रलोभन, पुलिस प्रशासन का दबाव और प्रधान तथा बीडीसी सदस्यों को डराया धमकाया गया है, जिसका नतीजा है कि लोकतंत्र एक बार फिर से हार गया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि चुनावी नतीजों के बाद भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है सपा के प्रत्याशी रहे डॉक्टर कफिल खान ने। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार पर भड़के हैं तेलंगाना के किसान, बीजेपी सांसद के घर के सामने फेंका है धान, पीएम मोदी के खिलाफ लगाए हैं जबरदस्त नारे। आप लोगों को बताते चलें, तेलंगाना में निजामाबाद जिले के कुछ किसानों ने धान खरीद से केंद्र के इनकार करने के विरोध में बीजेपी के सांसद धर्मपुरी अरविंद रेजिडेंसी के सामने अपनी फसल फेंक दी है। आप लोगों को बताते चले, सांसद के घर के सामने किसानों के एक समूह ने धान से भरा हुआ एक ट्रैक्टर डाल दिया। वे तख्तियां लिए हुए थे और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहां पर किसान नारे लगा रहे थे। महिलाओं सहित किसानों ने मांग की है कि केंद्र सरकार को मौजूदा रबी सीजन के दौरान तेलंगाना में उगाए गए पूरे धान की खरीद करनी चाहिए। एक किसान ने आरोप लगाया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार तेलंगाना के साथ लगातार भेदभाव कर रही है। इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यहां पर किसान नेता राकेश टिकैत के साथ यहां पर दिल्ली में धरने पर भी बैठे और केंद्र की मोदी सरकार को यहां पर सत्ता से उखाड़ फेंकने की भी चेतावनी दे डाली थी। ये यहां पर खबर है दोस्तों, देख सकते हैं कि तेलंगाना के किसान अब भड़कते हुए नजर आ रहे हैं मोदी सरकार पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी बोले जनता की समस्याओं पर बुलडोजर चलाने की जरूरत है, लेकिन बीजेपी के बुलडोजर पर तो नफरत और दहशत सवार है। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों और युवाओं को रोजगार देने जैसे मुद्दों को लेकर के बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी सरकार को महंगाई और बेरोजगारी पर बुलडोजर चलाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार को लोगों की समस्याओं पर बुलडोजर चलाना चाहिए, लेकिन बीजेपी के बुलडोजर पर तो नफरत और दहशत सवार है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने घेरा है बीजेपी सरकार को। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के सामने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले भारत में मानवाधिकारों के हनन पर लगातार नजर रखे हुए है अमेरिका। आप लोगों को बताते चलें, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका भारत में मानवाधिकारों के हनन की घटनाओं में वृद्धि पर लगातार नजर रखे हुए है। आप लोगों को आगे बताते चलें, अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने आगे कहा है कि जिसमें सरकार, पुलिस और जेल अधिकारियों के द्वारा मानवाधिकारों का हनन शामिल है। और वहीं प्रेस ब्रीफिंग में ब्लिंकन के बाद बोलने वाले राजनाथ सिंह और जयशंकर ने मानवाधिकार के मुद्दे पर ब्लिंकन के बयान पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले आप लोगों को बताते चले, अमेरिकी प्रतिनिधि इलहान उमर ने मानवाधिकारों के मुद्दों पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना की थी और इसके साथ ही राष्ट्रपति जो बाइडेन से मांग की थी कि इस पर पूरे मामले पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि भारत में लगातार मानवाधिकारों के हनन के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, बिहार के नालंदा में सीएम नीतीश कुमार के जनसभा स्थल पर फेंका गया बम, एक व्यक्ति लिया गया हिरासत में। बिहार के नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसभा स्थल पर मंच के पास बम फेंका गया है। इस दौरान नीतीश कुमार भी मंच पर ही मौजूद थे, हालांकि वो सुरक्षित है। घटना के बाद नालंदा पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिससे लगातार यहाँ पर पूछताछ की जा रही है।
मिली जानकारी के मुताबिक नालंदा में नीतीश कुमार के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पटाखा बम फोड़ा गया, जिसके बाद यहां पर पूरे कार्यक्रम में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UN VDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।